संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने सैंपलिंग की कार्रवाई की है, जिसके तहत हाँ ठेला पर फल सब्जी बेचने वालों की जांच की गई। शहर में अलग अलग जगहों पर जाकर सैंपल लिए गए। बताया जा रहा है कि करीब 40 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो कार्रवाई के दौरान तहसीलदार, कोतवाली टीआई सहित स्वास्थ्य अमला भी मौजूद रहा। 40 लोगों की टेस्टिंग की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई। आज जो है फल और सब्जी वाले जो है जो फेरी से घर घर जाकर फल और सब्जियां बेच रहे हैं, उन लोगों के हम लोगों ने कोविड के सैंपल लिए हैं और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कोविड की जो चेन है उसको तोड़ा जाए। बिल्कुल जो है हम जितने ज्यादा से ज्यादा सैंपल लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतने जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं वो उतने ज्यादा हम लोगों को पता चलेंगे, तो इससे ज्यादा लाभ होगा। सब्जी और फ्रूट्स वाले ठेले वाले हैं जो लोग जगह जगह जाकर जो छूट का समय है उसमें सब्जी और फल के विक्रय कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सैंपलिंग जो है आरएटी टेस्ट किया गया है, जिससे कि ये पता चल सके इसमें कहीं कोई संक्रमित तो नहीं है, जो बाहर पब्लिक के बीच में टच में आने पर कोई संक्रमण का खतरा तो पैदा नहीं हो रहा उससे। और अभी अच्छी बात है कि हमारे जितने भी सैंपल किए गए सारे के सारे सैंपल उसमें नेगेटिव आए हैं।